हम देखते हैं आखिरकार गोकू और ब्रोली ने फ्रीजा को खत्म कर दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं उस प्लेनेट के लोग गोकू और ब्रोली को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि जब से फ्रीजा यहाँ पर आया था उसने हमें कभी चैन से जीने नहीं दिया। फ्रीजा बिना वजह सबको परेशान करता था और किसी को भी मार देता था। आप लोगों ने आके हमारी जान बचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोकू और ब्रोली उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई भी मतलब नहीं है, अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ के प्लेनेट के लोग गोकू और ब्रोली के लिए बहुत सारा खाना ले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली मिलके वो सारा का सारा खाना खा जाते हैं। ये सब देखकर वहाँ के प्लेनेट के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतना सारा खाना कैसे खा सकते हैं। इसके बाद गोकू और ब्रोली उन लोगों से कहते हैं कि आपका खाना तो काफी लाजवाब था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को बहुत अजीब सी शक्ति महसूस होती है और वो कहते हैं हे विस, क्या तुमने ये महसूस किया? विस कहता है आपका मतलब क्या है लॉर्ड बीरस? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस हुई है, इससे पहले इतनी शक्ति मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मैं जानता हूँ मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, लेकिन ये ताकत बहुत ज्यादा अजीब थी। इसके बाद विस कहता है हे लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है शायद वो मोटल है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या बात कर रहे हो विस, मुझे लगा वो शायद वो कोई गॉड होंगे और तुम कह रहे हो कि शायद वो एक मोटल है। इसके बाद विस कहता है हाँ माय लॉर्ड, आपने सही सुना, वो दोनों एक मोटल है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो दोनों अभी बच्चे हैं और उन दोनों ने मिलकर अभी अभी फ्रीजा को मार डाला है। ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा, उन दोनों ने मिलकर अभी फ्रीजा को मार दिया? आखिर ये तुम कैसे कह सकते हो, और वो दोनों कहाँ से आए हैं, और आखिर वो दोनों कौन हैं? ये सुनकर विस कहता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो दोनों एक सैयर है माय लॉर्ड, लगता है प्लेनेट वेजिटा के तबाह होने के वक्त वो दोनों बच गए थे। लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, प्लेनेट वेजिटा तो बहुत पहले तबाह हो गया था और फ्रीजा ने उसे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, आखिर ये सैयर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? फ्रीजा तो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वो इन दोनों बच्चों के हाथों मारा गया, आखिर कैसे? इसके बाद विस कहता है हे लॉर्ड बीरस, आप क्या सोच रहे हैं? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है हे विस, आखिर मैं समझ गया हूँ कि वो दोनों बच्चे कौन हैं। मैंने सपने में देखा था दो बहुत ही ताकतवर बच्चे, अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सपना सच हो रहा है। विस मुझे ये बताओ कि आखिर वो दोनों सैयन अभी कहाँ पर हैं? इसके बाद विस कहता है हे लॉर्ड बीरस, वो दोनों अभी प्लेनेट करमूला पे हैं, जहाँ फ्रीजा अपने सैनिकों के साथ गया था। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है विस, मुझे अभी के अभी वहाँ पर ले चलो, मैं उन दोनों से अभी मिलना चाहता हूँ। इसके बाद विस कहता है जैसा आपकी मर्जी लॉर्ड बीरस। इसके बाद हम देखते हैं विस और लॉर्ड बीरस वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते। दूसरी तरफ जनोसामा के प्लेस पे किरण प्रिस्ट और जनोसामा को ये पता चल जाता है कि गोकू और ब्रोली ने मिलकर फ्रीजा को हरा दिया है और खत्म कर दिया है। ये जानकर गोकू और ब्रोली पे उन्हें बहुत गर्व होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लॉर्ड बीरस और विस उनके पीछे जा रहे हैं। हालांकि किरण प्रिस्ट ने सारे एंजल्स और गॉड्स को बता दिया था कि उनके साथ दो बच्चे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, जो आगे जाके किंग ऑफ एवरीथिंग बनेंगे, लेकिन जनोसामा ने गॉड ऑफ एंजल के बीच उन्हें कभी रिवील नहीं किया था, इसीलिए वो सब गोकू और ब्रोली के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनके बारे में कुछ गिने चुने एंजल्स ही जानते थे। तभी ग्रैंड ब्रिस्ट को यह पता चल जाता है कि लॉर्ड बीरस अब इस यूनिवर्स 7 में ट्रैवल कर रहे हैं और वो किसी को ढूंढते हुए उसके पास जा रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड ब्रिस्ट अपनी पावर से देखने लगते हैं कि लॉर्ड बीरस अब इस आखिर कहां पर जा रहे हैं। ग्रैंड ब्रिस्ट अपनी पावर का यूज करके वो सारी बातें सुन लेते हैं जो लॉर्ड बीरस अब इस ने पास्ट में की थी। ग्रैंड ब्रिस्ट ये समझ जाते हैं कि लॉर्ड बीरस अब इस आखिर कहां जा रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड ब्रिस्ट ये फैसला करते हैं कि वो विस से कॉन्टेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो उन दोनों बच्चों से दूर रहें। इसके बाद हम जनोसामा को देखते हैं, वो ग्रैंड ब्रिस्ट को रोक देते हैं और कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर आगे क्या होने वाला है। मैं जानता हूँ गोकू और ब्रोली आपस में बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इस मुसीबत को कैसे संभालेंगे। क्या सच में जनोसामा, वाक्य में आप ऐसा चाहते हैं? इसमें उन दोनों बच्चों की जान भी जा सकती है। इसके बाद जनोसामा कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं ग्रैंड ब्रिस्ट तुम्हें उन्हें सारी जिंदगी ट्रेनिंग दी है, इसलिए तुम तो उसकी ताकत के बारे में अच्छे से जानते होगे, क्या तुम्हें उन पे भरोसा नहीं है? तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, मैंने जो तुमसे कहा तुम वही करोगे, समझ गए? ग्रैंड ब्रिस्ट कहते हैं जैसा आप कहे जनोसामा, मैं समझ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू और ब्रोली यूनिवर्स 7 में ट्रेवल करने लगते हैं उस क्यूब में जो ग्रैंड ब्रिस्ट ने उन्हें दिया था। इसके बाद गोकू और ब्रोली की नज़र प्लेनेट वांपा पे पड़ती है, जहाँ से उन्हें एक अजीब सी की फील हो रही थी और उन्हें पता चलता है कि उस प्लेनेट पे कोई है जो जिंदा है। इसके बाद गोकू और ब्रोली उस प्लेनेट पे जाते हैं और उस वॉरियर को ढूंढने लगते हैं जिसकी की उन्होंने फील की थी।
और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उन पे हमला कर देता है, लेकिन ब्रोली उसे एक ही पंच में मार देता है। और ब्रोली कहता है कि देखो ये जगह कितनी बुरी है, हमारे आते ही इन जानवरों ने हम पे हमला कर दिया, मुझे नहीं पता इन जानवरों ने हम पे हमला क्यों किया। इसके बाद गोकू कहता है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं तो सिर्फ उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसकी ताकत आने से पहले हमें महसूस हुई थी, लेकिन वो ताकत तो धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है, आखिर पता नहीं वो कौन है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वो फिर से उस इंसान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस प्लेनेट पे जानवरों के सिवा और कोई भी नहीं मिलता, और उनको लगता है कि इस प्लेनेट पे जानवरों के सिवा कोई और नहीं है। लेकिन तभी उनकी नज़र एक गुफा पे पड़ती है और हम देखते हैं उस गुफा से दौड़ता हुआ एक आदमी निकलता है। अब ब्रोली उसे देखकर कहता है रुको जरा, लगता है मैं इस आदमी को जानता हूँ, शायद ये वही है, ये तो मेरे पिता हैं, मेरे पिता अभी जिंदा हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे लगा शायद ये मर चुके हैं, लेकिन मेरे पिता तो जिंदा हैं। ये देखकर ब्रोली को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद पैरागस को देखते हैं, वो इन दोनों बच्चों को देखता है और वो समझ जाता है कि उनमें से एक ब्रोली है जो उसका बेटा है। पैरागस ब्रोली को देखकर रोने लगता है और कहता है ब्रोली मेरे बेटे तुम जिंदा हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा हो गए, आगे तुम इतने समय से कहाँ थे, मेरे बेटे तुम्हें पता नहीं कि मैंने इस जगह पे कितना दुख और दर्द झेला है, मैं तुम्हारे बिना इस प्लेनेट पे अकेला था ब्रोली। इसके बाद ब्रोली अपने डैड से कहता है एक बहुत ही लंबी कहानी है पिताजी, मैं ये अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद पैरागस ब्रोली को कहता है मुझे भी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे अब छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे मेरे बेटे। इसके बाद हम देखते हैं पैरागस ब्रोली को गले लगा लेता है और वो दोनों रोने लगते हैं। गोकू को ये देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके माता पिता कैसे हैं।